मऊ जनपद के थाना कोतवाली के अंतर्गत शिवनगर मोहल्ले में रिटायर्ड शिक्षिका के हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रिटायर्ड शिक्षिका गीता पांडे का शव तालों में बंद करके बक्से में सुरक्षित तरीके से बंद करके मिला था। पुलिस ने इस मामले का अब खुलासा कर दिया है और हत्या के दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथ ही हत्या में प्रयुक्त सामानों को भी जब्त किया गया है। गौरतलब है कि रिटायर्ड शिक्षिका गीता पांडे की हत्या उनके घर काम करने वाले श्री प्रकाश मौर्य ने अपने दोस्त अमन के साथ मिलकर के पैसे की लालच में किया था। हत्या की जो वारदात की घटना थी उसके बारे में पुलिस ने बताया कि इन दोनों युवकों ने गीता पांडे की निर्मम हत्या पटरे से सर को दबा करके कर दी थी। पुलिस के पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया है कि पैसे की लालच में आकर के इन्होंने हत्या की थी। इनको मोटरसाइकिल खरीदना था, ऐसे में गीता पांडे से पैसे मांगे थे, वो पैसे देने से इनकार कर दी थी। इनको लगता था कि ये बहुत पैसे वाली हैं, इसी लालच में उन्होंने इनकी हत्या कर दी। लेकिन उनको क्या पता था कि पैसे के जगह इनको जेल की सलाखें नसीब होगी। शिवनगर कॉलोनी बलिया मोड़ के पास एक रिटायर्ड शिक्षिका गीता पांडे वाइफ ऑफ ओंकार पांडे रहती थी, अकेले ही अपने मकान में रहती थी। उनकी डेड बॉडी उनके घर में, उनकी बच्चों की सूचना पर, उनके दामाद की सूचना पर पुलिस जब गई थी तो उनके घर के बाहर ताला बंद था। ताला खुलवा के जब पुलिस भीतर गई तो उनके तख्त पे, बेडरूम के तख्त पे गद्दे वगैरह रजाई वगैरह थी, तो लोगों को संदेह हुआ। उसके बाद उनका जो ट्रंक था उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें उनकी डेड बॉडी प्लास्टिक में लिपटी हुई मिली। अज्ञात लोगों के खिलाफ उन लोगों ने अभियोग पंजीकृत कराया थाने पर। इंस्पेक्टर साहब एसओजी की टीम और बाकी हमारी पुलिस फोर्स लग के उसको प्रयास किया और वैज्ञानिक साक्ष्य जो भी हो इसमें आवश्यक थे सबको एकत्रित किया गया। उसके आधार पर ये दो अभियुक्तगण अमन राय और मौर्य श्री प्रकाश मौर्य ये दोनों पकड़े गए हैं। थाना क्षेत्र घोसी के रहने वाले हैं ये। इसमें श्री प्रकाश मौर्य इनके घर पहले से आते जाते थे, इनको आभास था कि अकेले रहती हैं, रिटायर्ड शिक्षिका हैं, इसलिए इनके पास पैसे वगैरह होंगे, काफ़ी सामान होगा, तो इनके मन में लाल बात किया। अमन से इनका परिचय था। फिर ये लोग 4 तारीख को दोनों अपनी मोटरसाइकिल से श्री प्रकाश मौर्य लेके आए यहाँ 3 बजे के आसपास। चाय पिलाया, उसके बाद ही अपने योजना जो पूर्व की थी उसके हिसाब से इन्होंने उनका गला दबा के मारने की कोशिश की, वो झटके में गिर गई, उससे उनके सर में चोट लगी। उसके बाद से ये जो लकड़ी इन्होंने बरामद कराया आज, इससे उसका दबा दिया सर और गले पे दोनों जगह, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये लोग डेड बॉडी वहाँ बक्से में डाल के प्लास्टिक में ला के और चले गए। उसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ। आज ये लोग बलिया रोड पे साईं कॉलेज के पास उनके घर से टीवी और बाकी उनके कान की झुमकी वगैरह जो और मोबाइल फ़ोन ले गए थे वो सब बरामद हुआ है इनसे, और आगे की वैधानिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। कैसी लालच पैसे के लिए? प्लीज बोलो, पैसे की जरूरत क्यों थी? हट्टे कट्टे हो भाई, ऐसे में क्या पैसे की अचानक ज़रूरत आ गई? बाइक लेना था, कुछ और लेना था। तो बाइक लेना था, हमें काम करना था जी। उनको बाइक लेनी थी, हमें कुछ काम करना था। क्या काम करना था? बस वही थी अपने। कितने दिनों से जान पहचान थी मृतिका से? 11 दिन से। तो कैसे विचार आया ऐसा सब कुछ? पैसा कमाए में तो जा सकता था। बिल्कुल भाई, हत्या करने का विचार कैसे आया? सर अचानक आ गया। क्या उनके पास पैसे देखे थे बहुत सारे आपने? कभी नहीं। क्या करने जाते थे आप वहाँ पे मृतका घर? क्या करने जाते थे आप? जैसे उनसे जान पहचान सब बुलाती थी तो जाते थे। क्यों बुलाती थी? जैसे किसी काम के लिए। हाँ, जब मार्केट में जाना होता था तो बुलाती थी। अच्छा, तो आप लेके जाते थे? किससे लेके जाते थे मार्केट उनको? बाइक से। बाइक से। अच्छा, फिर किस तरह घटना को अंजाम दिया आपने? सर वैसे अंदर गए और अंदर जाके मारा। कैसे मारे? क्या गलत है बातें? फिर उसके बाद बक्स में लाश मिली उनकी। लाश बस मिनट चले गए। ठीक।